सो हेलो व्हाट्सअप भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ ड्रैगन एके वर्सेस क्यूपिड स्कार। कौन सी गन ज़्यादा बेस्ट है ड्रैग शॉट के लिए, कौन सी गन ज़्यादा बेस्ट है डैमेज में। सो गाइस, वीडियो एंड तक देखना, और भी बहुत सारी बातें तुमसे करनी है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते सो गाइज, यहाँ पर हम बात कर लेते पहले ड्रैगन एके के बारे में, जो कि गाइज वन ऑफ द बेस्ट गन इन फ्री फायर, क्योंकि गाइज इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है अदर गन्स के कंपैरिजन में। 40-42 का डैमेज आता है गाइज, और हेड पे लग गया तो बंदे की खोपड़ी फूट जाती है। बट गाइज, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि इससे ड्रैग शॉट मारने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब भी लग जाता है ड्रैग शॉट तो गाइज 231 और सामने वाले की खोपड़ी फूट जाती है। तो गाइज, ये तो वन ऑफ द बेस्ट गन है ही, जो इसका यूज़ करते हैं वो जानते होंगे ड्रैगन एके की पावर। गाइज, मैं खुद इसका यूज़ करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरी यही रहती है कि मुझे ड्रैगन एके मिल जाए, क्योंकि इसके मिलने के बाद मैं ज़्यादातर गेम बुया कर लेता हूँ। तो गाइज, ये वन ऑफ द बेस्ट गन है। और गाइज, बात कर लेते यार, थैंक्स फॉर 1K गाइज, आपके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से हमने जस्ट कल ही रात को 9:52 पे 1K क्रॉस कर लिया गाइज। तो थैंक्स फॉर 1K। और फिर से बात करते हैं हम ड्रैगन एके के बारे में। सो गाइज, आप देख ही सकते हो उसका डैमेज। अब हम बात करेंगे हमारे क्यूपिड स्कार के बारे में। तो गाइज, क्यूपिड स्कार का रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा है अदर गन के कंपैरिजन में, क्योंकि गाइज वैसे भी स्कार का रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा है, और गाइज इसका डैमेज थोड़ा कम, और इसमें रेंज का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट गाइज, अगर मिड रेंज में बंदा है और आप ड्रैग कर रहे हो तो उसकी खोपड़ी फूटनी ही फूटनी है। तो गाइज, 165 का डैमेज आता है तो इसमें दो बार मारना पड़ जाता है गाइज, लेकिन अगर इसकी जगह ड्रैगन एके रहती तो एक ही बार में खोपड़ी फूट जाती है सामने वाले की। बट गाइज, स्कार वन ऑफ द बेस्ट गन है फ्री फायर में। तो गाइज, जो भी क्यूपिड स्कार यूज़र हो तो वो जानते होंगे क्यूपिड स्कार की पावर। वैसे मैं भी क्यूपिड स्कार यूज़ करता हूँ, बट यार ड्रैगन एके की बात अलग है, मैं ड्रैगन एके ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बट यार ड्रैगन एके में प्रॉब्लम ये होती है, ड्रैग शॉट मारने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है। ये गाइज मेरा ओपिनियन है, बाकी अदर्स जो समझे। और क्यूपिड स्कार से ड्रैग शॉट मारने में थोड़ा आसानी होती है, क्योंकि मैंने देखा यार। और रही बात बिना विदाउट स्कोप में, तो क्यूपिड स्कार ड्रैग शॉट बहुत प्यारा लगाती है, बट गाइज विदाउट स्कोप में ड्रैगन एके से ड्रैग शॉट मारने में मुझे प्रॉब्लम होती है, बट स्कोप करने के बाद ड्रैगन एके भी बहुत अच्छा ड्रैग शॉट देती है। तो गाइस, दोनों गन ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। तो जो भी दोनों गन यूज़ करते हो, कमेंट ज़रूर करना जिसके पास है यार, वैसे तो एक बहुत लकी लोगों के पास रहती है। और अब गाइस, बात कर लेते हैं कि मेरे 1K कंप्लीट हुए। बहुत लोग कॉन्ग्रेट करने की बजाय यार सीधा बोले, भाई यार अब तो टॉप अप कर दो, भाई यार ये स्ट्रीट बॉय बंडल गिफ्ट कर दो, तो ये कर दो। तो भाई यार 1K हुए, 10K नहीं हुए हैं। और मैं सबको कमेंट्स में ये रिप्लाई दे देता हूँ, यार मैंने खुद आज तक टॉप अप नहीं किया। तो बहुत सारे बंदे ड्रैगन एके और क्यूपिड स्कार और मेरे बंडल्स देख के बोलेंगे, यार तू टॉप अप नहीं करता तो तेरे पास ये सब है कहाँ से। तो गाइस, मैं उनको बता देता हूँ कि ये आईडी मेरे एक फ्रेंड की है, जिसका कलेक्शन काफ़ी बढ़िया है, इसलिए मैं ये आईडी यूज़ करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। और मतलब इसमें मोस्टली हर एक चीज़ है, तो ये आईडी बेटर है, और मैंने सच में आज तक कभी टॉप अप नहीं किया। तो भाई लोग, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। तो यार 10K होंगे तो मैं आप सबको खुद गिव अवेज करूँगा, आलोक दे दूँगा और भी बहुत कुछ। तो गाइज, अभी मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा रिप्लाई के अलावा, आप सब जानते हो। और जो भी बंदे जानते हैं कि मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, तो गाइज कमेंट ज़रूर किया करो यार, तुम्हारी कमेंट्स पढ़ने का मज़ा ही कुछ आता है, और फिर मैं रिप्लाई भी करता हूँ। और इंस्टाग्राम पे जिसने भी मुझे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लेना, वहाँ मैसेज भी कर देना, वहाँ पर भी मैं रिप्लाई देता हूँ। और जिसने भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी हमारी बातें होती है। और मूवी की प्लानिंग चल रही है, हम बहुत जल्दी एक शॉर्ट मूवी बनाएंगे गाइज, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, और भी बहुत कुछ यार। और यार सच में यार काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, मैंने सेकंड टाइम 1K क्रॉस कर लिया है। अब बहुत सारे बंदे सोचेंगे यार सेकंड टाइम, हाँ गाइस इससे पहले भी मेरा एक चैनल था जिस पे मैंने 1K
क्रॉस कर चुका था, इसलिए मैंने इस चैनल पे 10K का टारगेट रखा है ताकि मेरे जल्द से जल्द 10K हो जाए। और आपका सपोर्ट ऐसे ही रहा तो बहुत जल्द हम 10K क्रॉस कर लेंगे। तो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है, थैंक्स यार, थैंक्स 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 अ लॉट फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। तो और क्या यार, और कुछ तो बोलने लायक भी नहीं है। और ये जो कोरोना वायरस वाला बंडल आया है ये भी मेरे फ्रेंड ने ही निकाला, क्योंकि उसकी आइडिया, उसे जो अच्छा लगता है वो कर लेता है, परचेस इलाइट पास जो भी कुछ भी रहता है वो खुद परचेस कर लेता है। तो गाइस मैं कुछ नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल, तो सॉरी यार, सॉरी। ऐसे सपोर्ट करते रहो, एक दिन अपना टाइम आएगा तो उस दिन। और भाई आज एक बंदे ने मुझसे पूछा यार कि भाई तुम बड़े यूट्यूबर बनने के बाद हमारी कमेंट्स का रिप्लाई करोगे ना, तो यार ये मेरी बहुत अच्छी वाली आदत है जो शायद कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि गाइज मैं बिना रिप्लाई के रह ही नहीं सकता। तो यार कमेंट ज़रूर किया करो, पढ़ूंगा उसके बाद रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करोगे तो भी जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में हमारे करी भैया आएंगे, वीडियो को एंड करेंगे। और लास्ट बार फिर एक बार रिव्यू कर ही देता हूँ क्यूपिड स्कार और ड्रैगन एके। तो गाइज ड्रैगन एके का हाई डैमेज है बट क्यूपिड स्कार का हाई रेट ऑफ फायर है, तो दोनों के पास अलग अलग पावर्स है जो जिस गन को ज़्यादा बेटर यूज़ करे। और ड्रैग शॉट भी गाइज दोनों में काफ़ी बढ़िया लग ही जाता है, बट यार मुझे सच में यार ड्रैगन एके में ना थोड़ा प्रॉब्लम होती है ड्रैग शॉट मारने में, बट क्यूपिड स्कार में ड्रैग शॉट आसानी से लग जाता है। और स्कोप करने के बाद ड्रैगन एके में भी ड्रैग शॉट लगता है और क्यूपिड स्कार में दोनों तरह से ड्रैग शॉट लगता है। तो बस यार इतना ही मुझे बताना था इस वीडियो में, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद दोस्तों। लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो। कभी आते जाते रास्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में।